हाल के दशकों में जंक फूड की खपत में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसमें हाई कैलोरी कंटेंट, ज़्यादा शुगर, अनहेल्दी फैट्स और लो न्यूट्रिशन होता है। दुर्भाग्य से इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम पड़ा है। इसका टाइप 2 डायबिटीज़ की वैश्विक महामारी में बड़ा योगदान है। एक नए शोध के अनुसार जंक फूड के सेवन से बच्चों में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ गया है। कभी मध्यम आयु वर्ग और अधिक उम्र के वयस्कों की बीमारी समझी जाने वाली टाइप 2 डायबिटीज़ अब बच्चों और किशोरों सहित सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। जंक फूड की खपत में वृद्धि और टाइप 2 डायबिटीज़ की घटनाओं ने शोधकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और पत्रिका द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी में प्रकाशित स्टडी के अनुसार भारत में हाइपरटेंशन से पीड़ित 315 मिलियन लोग और डायबिटीज से पीड़ित 101 मिलियन लोग हैं। स्टडी से यह भी पता चला है कि 136 मिलियन भारतीय प्री डायबिटिक हैं, 213 मिलियन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है, 185 मिलियन लोग हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या खराब कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं, जबकि 254 मिलियन लोग सामान्य मोटापे के साथ रहते हैं और 351 मिलियन लोग पेट के मोटापे से पीड़ित हैं। विशेषज्ञ बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ के मामलों की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं, खासकर 12 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों और कम उम्र के लोगों में। उनका मानना है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जिन लोगों में बचपन में मोटापा विकसित हो जाता है वे वयस्क होने पर भी मोटे बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त टाइप 2 डायबिटीज वाले युवाओं में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है जटिलताओं की भी संभावना होती है। इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि लोगों को स्वाद से अधिक पोषण को प्राथमिकता देनी चाहिए और बच्चों में खाने की अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए और उन्हें खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या दिन में 30 मिनट के लिए केवल एक्टिविटीज सुनिश्चित करनी चाहिए।